स्टोरी सुनाती हूँ भाई के लोगों को, मैं कहती हूँ सारी ट्रेनिंग सब कुछ मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम रियलाइज किया और मैंने वही चीज अपनी मदर की काउंसलिंग पे की। सेम लाइक 13 में भी वो वेंट पे गई, वेंट पे जाना वो यार ऑलवेज थिंकिंग कि शायद पेशेंट खत्म आधे घंटे में तो आता तक होती है कि बस अब वहां से कुछ और ही होगा, बट आई लाइक द पर्सन आई नेवर एवर थिंक अबाउट कि उनको कुछ होगा। और अल्लाह ताला ने मेरे यकीन को कायम रखा और अल्लाह का शुक्र है मेरी मदर 3 times डेथ स्टेट से बहुत हेल्दी हालत में वापस आई। She used biped. It's like mini ventilator. It's not easy. आप एक और सब बेटियों से रिक्वेस्ट है, जब पेरेंट्स बीमार होते हैं ना, सिर्फ हमारी यहाँ की माइंड काउंसलिंग उनको बचाती है। एक सिंपल टेम्परेचर भी डेथ स्टेट तक ले जाता है और एक एस्मा का 13 साल का पेशेंट भी डेथ स्टेट से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वापिस आ सकते हैं कि आपका रवैया उनको मजबूत करता है। सो इट्स मेरी वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल डॉटर्स, कम अज कम आप दिन में एक टेबलेट की तरह विटामिन ए बी सी की तरह माँ बाप की डोज जरूर लिया करें, उनको जरूर पूछें। आप शहर में हैं, शहर से बाहर हैं, बट नो इट्स लाइक वन कॉल अवे, यू कैन टेक अ कॉल एंड यू कैन आस्क कि मामा आप ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और माँ बाप इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। एक और चीज आती है जो मैं थोड़ा सा एक रोल की बात करूंगी, पहले हम अच्छी बेटी होती है, माँ का रोल की बात करूंगी। एक औरत का रोल क्या होता है, पहला उसका रोल होता है उसकी माँ के घर, फिर उसके खामद के घर होता है। मैं पहले माँ के रोल पे आती हूँ कि एक बेटी जब होती है तो वो एक अच्छी बेटी नहीं बन पाएगी ना, वो अच्छी बीवी नहीं बनेगी, अगर वो अच्छी बीवी नहीं बनेगी तो अच्छी माँ भी नहीं बनेगी।